are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian Canadian channel. चैनल वाई देख रहे सारे दर्शकों को इंद्रजीत सिंह बख्शीलो प्यार भरी सत श्री अकाल दोस्तों। नज़र मारते हैं देश दुनिया के पंजाब के नाल संबंधित कुछ वड्डियां खबरां ते। सारे नालों पहला गल करांगे कोरोना वायरस की, क्योंकि कोरोना वायरस ने एक बार फिर जिहड़ा हैगा वह भारतीयों नूं डराना शुरू कर दिता हैगा। पिछले 24 घंटे की गल करिए लगभग 72,330 नवे मामले जिहड़े ने पिछले 24 घंटे दौरान आए ने, जो कि हुण तक इस साल दे विच जेकर गल करिए तां सारे नालों ज़्यादा जिहड़े इह नंबर ने उह नोट किए गए हैगे आ। जिस दे नाल इह वी दस दईए कि लगभग 460 व्यक्तियों की मौत जिहड़ी हैगी आ उह कोरोना दे नाल पिछले 24 घंटे दौरान हुई ने। सरकारां अपने तौर पर कोशिशां कर रही ने कि किसी तरीके इस जरा घटाया जा सके, आंकड़े को घटाया जा सके, पर लगातार पिछले जेकर आप 8 दिन की गल करिए 50,000 तो वध केस जिहड़े सी उह दर्ज किए जा रहे सन, पर अज 24 घंटे भी जिस तरह 72,000 के करीब दे आंकड़े छू लेना कोरोना वायरस नूं लै दे मामलों के बड़ी वड्डी चिंता जिहड़ी हैगी उह केंद्र सरकार ते राज सरकारां दे विच वेखण नूं मिल रही हैगी है। क्योंकि लगभग देश दे 10 तों 11 सूबे इहे जे ने जिथे इन्हां मामले जिहड़े ने उह लगातार वध रहे ने, घटण दा नाम नहीं लै रहे हैगे, चाहे उह महाराष्ट्र है, चाहे पंजाब है, चाहे कर्नाटक है, इन्हां दे विच जिहड़े हैगे उह जिहड़ी रेशो सी जिहड़ी कोरोना वायरस की वह वधदी जा रही सी। असीं थोड़ी डिटेल दे विच वी हम तुहानूं दस दिंदे हैगे कि हुण तक 1,22,21,665 जिहड़े हैगे आ उह कुल टोटल केस जिहड़े आ भारत दे विच हो चुके ने, ते 460 दे करीब जिहड़ियां मौतां जिहड़ियां ने उह पिछले 24 घंटे च दर्ज कीतियां हैगियां ने, ते जिहड़ा मौतां दा हुण आंकड़ा हैगा उह 1,62,927 तक पहुँच गया। उत्थे ही मौजूदा अज दी डेट दे विच 5,84,055 लोग जिहड़े ने इस समय जेरे इलाज ने, जो भारत दे विच कोरोना का इलाज करा रहे हैं, तो उन्होंने दे जी हैगी अजे उत्थे ही दूजे पासे वैक्सीन भी भावें कि भारत सरकार वालों वड्डी तादाद लगाई जा रही हैगी, पर जिस तरह तेजी के नाल ये मामले वध रहे हैं उस दे नाल चिंतावां जिहड़ियां ने उह सिहत विभाग दियां जिहड़ियां ने उह वधदियां कितें ना कितें नज़र आ रही ने। उत्थे ही हुण तक 1,14,74,683 जिहड़े व्यक्ति ने उह इलाज करा के अपने घरां नूं परत चुके ने। उस ही हम दस दिए कि जे टीकाकरण की गल की जाए तो देश में हूँ तक 6,51,17,896 लोगों कोरोना वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है, मतलब कि लगभग 6.5 करोड़ लोग जिहड़े ने उह उन्हां नूं वैक्सीन भी लग चुकी है। एक पासे भावें कि केस वध रहे ने, पर दूजे पासे भारत सरकार जिहड़ी हैगी उह वैक्सीन दा दायरा भी उह लगातार वधा रही है। 45 साल तक के उम्र तो उपर दे व्यक्ति जिहड़े ने उह अज तो जिहड़ा हैगा उह वैक्सीन लगा सकते हैं, उन्हां नूं किसी प्रकार की जिहड़ी है रोक टोक नहीं है, क्योंकि पहला यह दायरा जिहड़ा हैगा सी उह 60 साल तो उपर तक का दस्या जा रहा सी, पर हुण जिथे कोरोना वॉरियर्स ने उन्हां तों अलावा हुण 45 साल तो कोई भी उपर दा जेकर व्यक्ति है तो वह अपनी मर्जी के नाल कोरोना वैक्सीन जिहड़ी हैगी आ उह लगा सकदा हैगा। उत्थे ही तुहानूं दस दईए कि महाराष्ट्र दी विच जिहड़ी लहर हैगी आ उह लगातार अगे वधदी जा रही है। 31 मार्च तक सूबे 39,574 नवे केस दर्ज होए ने, 227 मौतां इकल्ले जिहड़ियां ने उह महाराष्ट्र दे विच नोट कीतियां गईआं ने। बुधवार तक सूबे 356,243 केस सरगर्म ने। जेकर आप गल करिए कुल टोटल दा अद्धे नालों ज़्यादा केस जिहड़े ने इकल्ले महाराष्ट्र दे विच दर्ज ने। उत्थे ही हुण गल करदे आ पंजाब दी, पंजाब दे विच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार नूं कहा कि 8 अप्रैल नूं राज विच कोविड-19 दी स्थिति दा जायजा लैण तों बाद सख्त पाबंदियां लगाईआं जा सकदियां ने। क्योंकि गल करिए पटियाला, लुधियाणा, जलंधर, अमृतसर ये जिले ने 5 तों 10 जिले जिहड़े दसे जा रहे हैं जिन्हां दे विच 200+ केस जिहड़े ने लगातार आ रहे हैं, किसी कदे 200 कदे 300। जलंधर च 500 तक का भी आंकड़ा जिहड़ा हैगा सी पिछले दिनों दे विच छूया है, ते यही एक चिंता का विषय है खास करके पंजाब सरकार के लिए भी, क्योंकि पाबंदियां लगियां हुईयां जाण दे बावजूद भी मामले जिहड़े उह घट नहीं रहे है। पंजाब दे विच रात नूं करफ्यू लगाया गया 9 तों सवेरे 5 बजे तक का, पर केस लगातार वध रहे ने। यही कारण है कि हुण 8 तरीक नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह दुबारा जिहड़ी है इस ते बैठक करनगे, हालात का जायजा लैणगे, हालात का जायजा लैण तो बाद
यह मनिया जा रहा है कि शायद जिहड़ा समां 9 to 5 PM का उसनों उदे विच जिहड़ी है उस वाधा किया जाए तो यह समा जिहड़ा है 7 to 5 कर दिता जा सकता है तो उत्थे ही संडे या वीकेंड जिहड़ा है उसनों भी टोटल जिहनूं कहिंदे आ अपना वह बंद करन दे जिहड़े आ हुक्म ने वह दिते जा सकते हैं क्योंकि लगातार पंजाब दे विच केस वध रहे ने 24 घंटे पिछले 24 घंटे की गल करिए लगभग 2210 नवे मामले जड़े ने वह कल पंजाब दे विच आए ने यही कारण है कि पिछले एक हफ्ते तो 2000 तो ज़्यादा केस जड़े ने वह सामने आ रहे हैं तो यही कारण है कि पंजाब सरकार भी चिंतित है बैड जड़े ने वह घटते जा रहे हैं सरकारी होस्पिटलों चाहे प्राइवेट होस्पिटलों के कुछ जगहों तो खबर भी आ रही सन कि कोरोना के नाम से बड़ी बड़ी लुट भी जी है वह निजी हस्पतालों के वेखन मिल रही है जो केंद्र सरकार ने एक निर्धारित किए सन बैडा के रेट वह उतों कितने ज़्यादा जोड़े है निजी हस्पता जोड़े ने वो अपने तौर पर यह लेंदे हुए भी नज़र आ रहे हैं पर कहते हैं कि जान है तो जहान है तो हर कोई जरा अपनी जान को बचाने के लिए जोड़ा वो निजी हस्पता तक अप्रोच कर रहा है यही कारण है कि लुट के मामले भी थोड़े जे जड़े है कोरोना के नाल संबंधित वह ज़्यादा वेखन आ रहे सरकार इन वाल भी थोड़ा जहा ध्यान देना चाहिए क्योंकि गरीब व्यक्ति की पहुँच तो कित दूर जोड़ा हैगा कोरोना का इलाज इस समय वह है क्योंकि हर कोई सरकारी हस्पताल के जान तो डरता है यही कारण है कि निजी हस्पता ने वही तादाद कोरोना के पेशेंट्स जोड़े ने उन्होंने इलाज करने शुरू किए हैं पर उत्थे ही उन्होंने व्डे बिल जोड़े ने वह भी देने पै रहे हैं उत्थे ही असं दस दिए कि लगभग रोजाना उरे भी मौत दर जी हैगी वधी जा रही है पंजाब दे विच 24 घंटे के लगभग 65 जोड़े है वह मरीजा ने अपना दम तोड़िया है तो यह आंकड़ा रोज़ दिन ब दिन जोड़ा वह बढ़ता जा रहा है तो सरकार केंद्र सरकार सूबा सरकार ते केंद्र सरकार आपस विच मिल के जोड़ा है कोशिश कर रही है कि किसी तरीके इस ते भी थोड़ा जा लगाम लगाई जा सके तो लोगों को राहत मिले क्योंकि स्कूल पहले ही बंद ने 10 तरीक तक स्कूल बंद ने किसी भी स्कूल खुलण का जोड़ा है आग्ञा नहीं दी गई है उत्थे ही जे आप मैरिज की गल करिए संस्कार की गल करिए कोई धार्मिक प्रोग्राम है तो उत्थे 20 बंदे ही अलाउड जोड़े है वह किए गए हैं पर बहुत सारे शहरों के वड्डिया वड्डिया पार्टियां भी जड़िया कितने वेखन मिल रही ने पर 8 तरीक तो बाद हो सकता है कि इस पर लगाम लगाई जा सके तो पुलिस को सख्त एक्शन लैन के भी जोड़े आ निर्देश जोड़े आ मिल सकती है इसी कोरोना के हाल तो हूँ गल करांगे पंजाब दे नाल संबंधित कुछ होर खबरां दे क्योंकि पंजाब दे विच अज दी जे आप गल करिए बहुत सारिया खबरां अजिहियां ने जिन्हां ते चर्चा होनी जिहड़ी आ सुभाविक है साडे नाल कवर सिंह बेदी जुड़नगे कवर सिंह बेदी नाल असीं उन्हां ते चर्चा करदे आ बेदी साहब 2-3 खबर जिहड़ियां ने अज दियां अहम ने एक तो हैगी दीप सिद्धू की जिहड़ी अगली पेशी है वह 8 अप्रैल पै गई है तो उत्थे ही अज कैप्टन सरकार ने जो एक फैसला किया कि महिलावां नूं जिहड़ा अज तो फ्री बस सेवा जिहड़ी हैगी सी सरकारी वह सुविधा अज तो लागू हो गई है 2022 दियां चोणां नज़दीक ने कैप्टन सरकार का महिलावां दे प्रति जिहड़ा यह फैसला हैगा तुसीं इसनूं किवें वेखदे हो मतलब लाभ पहुंचता है परिवार ने जो हरियाणा संबंधित ने हिमाचल संबंधित ने उन्होंने भी जाना होगा कितना ना कि पर जो कितना ना कि बच बैठ के इस तरह की टिकट माफी तो लैके गलबात कर रहे कि संभावना जताई जा रही है कि कितना ना कि लड़ाई झगड़े जोड़े है मसले वह भी उभरण गए दूसरी गल है कि कितना ना कि इसमें उस सरकार का जोड़ा चोन समा ने आ रहा है वो करके कितना ना कि इसमें सरकार का स्टंट दसा जा रहा है कि सरकार हम तो ही जोड़ा है कि ना कि वोट राजनीति जी हैगी कम कर रही है क्योंकि
बिलकुल पर दूसरी गल ए कि हजे इन्हों का जो नोटिफिकेशन होया एक तरीक तो ठीक है सफर जरा है औरतों को मिलेगा जी पर किसी ना कि है कि जरा सफर है वो की नियम है किस तरह की नोटिफिकेशन हुई है किस तरह की शर्त ने जरूर देखनिया पैनगियां जी क्योंकि हैंडीकैप्ट भी आ जाते हैं पेंशन आए भी आ जाते हैं सफर कर किस तरह का लोगों का रुझान किस तरह का रहा है रुझान किस तरह का रहा है यह भी देखने को मिलेगा बाकी है कि सरकार की नोटिफिकेशन के उत्ते जो कनैक्टर ड्राइवर है बसों के इन्हों ने रोज सवारियां ढोनिया ले जानिया ने उन्हों का की सुभा रहा बिलकुल प्रति इस तरह के जेडे है जेडे है उस तरह के प्रतिकरण जेडे वक् वक् समय समय न सामने आने पर फिलहाल जोड़ा ये सब तो वाला एक मसला बन रहा कि चाहे सरकार पिछली रही हो चाहे मौजूदा कैप्टन सरकार है यह हो सकता है कि जिते तक बंदे सरकार अजकल का अक्सर दावा करते हैं कि खजाना खाली है खजाना भरने की कोशिश की जा रही है कुछ भरपाई कर ली गई है जी। पर कि ना कि महसूस हो रहा है कि पंजाब को सबसिडिया वाले पासे जोड़ा है तोरिया जा रहा है क्योंकि बिजली सरकार वालों भी बिजली के सबसिडी शगन स्कीम से सबसिडी बिजली किसानों बिजली पानी से सबसिडी बिजली बिल से सबसिडी बहुत सारिया सबसिडिया जीडिया सरकार वालों अपने मैनोफेस्टो दिखाई जाए पर सब तो वड्डा मसला यह आ जाता है कि सब तो वड्डा ये कि हुण पंजाब सबसिडिया दे आसरे चलेगा पंजाब दे खजाने की भरपाई किसी टैक्स दे रूप च की जा सकती है जिहड़े भुगतान ने जां अदायगियां ने करोड़ 30 लाख के करीब जी है महिलावां की जनसंख्या जो 2011 दे विच पर सब तो वड्डा मसला यह देखना होगा कि जे सरकार ने दावा कर दी है कि इन्हें महिलावां नूं लाभ मिलेगा सरकार का अपना पक्ष है सरकार का दावा है कोई ऐसी गल नहीं पर मसला यह है कि मुफ्त सहूलत के नाम के उत्ते पंजाब के लोगों पंजाब को फिर भी ना रखा जाए पंजाब को अपने पैरों से सरकार ने करना होगा किदा हो सरकार आपका एजेंडा होना चाहिए सरकार के जो सरकार चला ने वो लोग देखे बिल्कुल पर सब तो वाला मसला जरा एक आ चुका है यही आ चुका है कि पंजाब को कद तक सबसिडिया के आसरे अभी इस तरह लोगों को वोटा बटोरने लिए करते रहेंगे तनु की लगता है कि जदों तो पीके खास करके आप पीके की गल करिए प्रशांत की गल करिए प्रशांत नू जदों तो एडवाइजर प्रिंसीपल एडवाइजर बनाया उस तो बाद जिहड़ियां इस तरह दियां होर सुविधाएं जिहड़ियां ने वह आने वाले समय के पंजाब के लोगों दित्तियां जा सकदियां ने उन्होंने भरमाया जा सकता है ता जो 2022 दियां चोणां ते जिहड़ा हैगा एक एक मतलब लोगों नू अपने पक्ष दे विच करन दी जिहड़ी हैगी आ उह गल कीती जा सके सब तो वही गल यह है कि प्रशांत किशोर नाम का कोई सरकारी बंदा है प्रशांत किशोर परचेज किया गया सरकार वालों नहीं बट हूं तो उसको प्रिंसीपल एडवाइजर बना ही दिता गया ना जिस बंदे ने इसनू धंधा बना लिया हो ठीक है ना वह अपनी लोग लुभाऊ नीतियां राही अपन पॉलिसिया राही सरकार तो पैसा बटोर के अपनी जेब का भरता ही है पर यह है कि इन्होंने लोगों के
ਪੋਲਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੜਖੜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਨਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਏ ਨੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁੜਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਨਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਭਰਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਖਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਚ ਨਿਕਲ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਚਾਰ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕੱਢਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜ ਨੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਇੰਜ ਨੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਰੱਖ ਦੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨੀ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬੜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਮਤਈਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਗੜਬੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਕੱਟੋ ਕਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡੇਟ ਹੁਣ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ
हट के लाल किले नू जाना लाल किले बहुत वड्डा हजूम लै जाना फिर उसे दवा स्वच्छता भी ऑलरेडी लगी हुई है प्रधानमंत्री तो बोलते चले जाते हैं लाल किले के झंडे जाके तुम किसी भी झंडे लहराना कोई पाप नहीं है कितना कितने ये जरूर है राष्ट्र का झंडा लहरा राष्ट्र के झंडे का अपमान है उसे झंडे के बराबर कोई झंडा लहराना जरा वो कदाचित ठीक नहीं है जेडे है वक् वक् प्रतिक्रमा द्वारा ही कहा जाता है पर यह है कि वह जरा भीम सिद्धू है ठीक है वो अदा कर रहा है तो कितना कितने लोगों को प्रभाव के भी चल रहा है नौजवानों का संसद भी है पर कितना ना कि देखने की लड़ है की देश जो एक संविधान के नाल चल रहा है लोकतंत्र के ढांचे का आप ही कदर करते लोकतंत्र के ढांचे को छिके कान के कोई काम करा देश आराम हों कानून भी छिके पेंद घटनावा सामने आदि घटनावा तो नौजवान सचेत रह ना हो किसान मोर्चा भी सचेत रह कटो कर कोई भी ठीक है आजाद देश के वासी हो अपनी गल लोकतंत्रिक तरीके ही रखो पर जो कानून छिके टाके कोई कदम चुकते हो उसमें कोई भी प्रभाव नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद बेदी साहब तुम नाड़े नाल जुड़न वास्ते सत श्रीकाल जी। इस समय बेदी साहब जिन्होंने सू काफ़ी जोड़े है मुद्दे थोड़े गलबात की हैगी उ एक बार फिर दर्शकों को दस दिए कि दीप सिद्धू के मामले के सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल अगली डेट जी है वह पा दी है जो उन्होंने जमानत अर्जी के उत्ते सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला सुनावेगी। तुम दस दिए कि 26 जनवरी जी हिंसा हुई सी लाल किले उस उन्होंने आरोप ने कि वह उस हिंसा के उ किले के उत्थे पहुँचे सन उन्होंने ही नौजवानों भरमा के वह किले तक लैके गए सन। तुसी साढ़े नाल जुड़े रहो फिलहाल मनू दो इजाजत है तुसी देखते रहो चैनल वाई धन्यवाद। यू आर वॉचिंग चैनल वाई अ साउथ एशियन कनेडियन चैनल।